हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये एक ग्राफिक चैनल है, लेकिन अब से मैं आपको इस विषय से हटकर भी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सी जानकारी के अभाव में लोग काफ़ी सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, जैसे कि सरकारी योजनाएँ, सरकारी नौकरी, आधार कार्ड का पंजीकरण कहाँ से कराएँ, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बनवाएँ, जैसी चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं पता रहता, जिसकी वजह से उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो इसलिए मैं अब से आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताता रहूँगा। फ्रेंड्स, आज के विषय में जो हम बात कर रहे हैं वो है APY। यानी अटल पेंशन योजना। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। अटल पेंशन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्षेत्रों के कामगारों के भविष्य को सेफ करना है। नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं जैसे कि मजदूर, डिलीवर बॉय, माली आदि। अब क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहती है, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगार होते हैं उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती, तो इसीलिए सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया। इस स्कीम के तहत आप हर महीने कुछ पैसों का कंट्रीब्यूशन करके 60 साल की उम्र में हर महीने गारंटेड 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की प्रतिमाह पेंशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 1,000 से 5,000 रुपये तक इसलिए कहा क्योंकि आपको पेंशन कितनी मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रति माह कितने रुपए का योगदान किया या फिर आपने स्कीम कौन सी ली। फ्रेंड्स, अब हम स्कीम के लिए योग्यता की भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 है कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो, और नंबर 2 है आपका कोई एक बैंक खाता हो जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। लेकिन फ्रेंड्स, जो सरकारी एम्प्लॉय हैं या जो टैक्स पे करते हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से आपको कितने सालों तक कितने पैसों का योगदान करना होगा इस पेंशन को लेने के लिए। फ्रेंड्स, ये अटल पेंशन योजना का स्कीम चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपनी एज के हिसाब से कितने सालों तक कितने रुपए का प्रति मासिक आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर 18 साल के हैं तो आपको 42 साल तक यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना होगा। 1,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए आपको 4,200 रुपये देने होंगे, और यदि आप 2,000 रुपये की मासिक पेंशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 84 रुपये देने होंगे, और यदि आप 3,000 रुपये की मासिक पेंशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 126 रुपये देने होंगे, और यदि आप 4,000 रुपये की मासिक पेंशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 168 रुपये देने होंगे। ठीक इसी तरीके से आपको 5,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए आपको 210 रुपये प्रति मास देने होंगे। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी की उम्र 23 वर्ष है तो उसको 37 साल तक कंट्रीब्यूट करना होगा। 1,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए उसे 64 रुपये देने होंगे, और 2,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए उसे 127 रुपये देने होंगे, और 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए उसे 152 रुपये प्रति मास देने होंगे। ठीक इसी तरीके से 4,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए उसे 254 रुपये देने होंगे, और 5,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए उसे 318 रुपये प्रति मास देने होंगे। अब फ्रेंड इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी की उम्र 34 वर्ष है तो उसे 26 साल तक कंट्रीब्यूट करना होगा, जिसके लिए उसे 1,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए 165 रुपये देने होंगे। ठीक इसी तरीके से 2,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए 330 रुपये उसे देने होंगे, और 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए उसे 495 रुपये प्रति मास देने होंगे, और 4,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए 669 रुपये देने होंगे, और 5,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए उसे 824 रुपये प्रति मास देने होंगे। अब फ्रेंड मैं साथ ही आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि यदि ग्राहक और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को यहाँ पर कितना रुपया मिलेगा। फ्रेंड्स, यदि ग्राहक ने 1,000 रुपये वाली स्कीम ली है तो उसके नॉमिनी को 1,70,000 रुपये मिलेगा, और यदि ग्राहक ने 2,000 रुपये वाली पेंशन ली है तो यहाँ पर नॉमिनी को 3,40,000 रुपये मिलेगा, और यदि ग्राहक ने 3,000 रुपये की मासिक पेंशन वाली स्कीम ली है तो यहाँ पर नॉमिनी को 5,10,000 रुपये मिलेगा। ठीक इसी तरीके से 4,000 रुपये वाली पेंशन पे नॉमिनी को यहाँ पर 6,80,000 रुपये मिलेगा, और ठीक इसी तरीके से 5,000 रुपये वाली पेंशन में नॉमिनी को यहाँ पर 8,50,000 रुपये मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, एक खास सवाल का जवाब मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ, वो ये कि लोग अक्सर पूछते हैं कि 60 साल के बाद आपको पेंशन कब तक मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है कि आपको आजीवन तक इसकी पेंशन आपको मिलती रहेगी, यानी कि आप जब 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये पेंशन मिलती रहेगी। अब फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नॉमिनी की। अब फ्रेंड्स, यदि आवेदक की मौत हो जाती है तो
तो जो आवेदक की पत्नी रहेगी उसको इस स्कीम का लाभ मिलेगा, और यदि उसकी पत्नी भी मर जाती है तो इसके बाद जो आपका नॉमिनी रहेगा उसको इसकी रकम दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जो भी स्कीम लेंगे उसका पैसा आपके अकाउंट से अपने आप ही कटता रहेगा, आपको मैन्युअली इसको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपके खाते में किसी महीने में पैसे नहीं होते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज देना होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको चार्ज कितने रुपये का देना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप 100 रुपये तक का योगदान करते हैं तो आपको 1 रुपये प्रति माह के हिसाब से चार्ज लगेगा, और यदि आप 101 रुपये से 500 रुपये तक का योगदान करते हैं तो आपको 2 रुपये पर मंथ का चार्ज लगेगा, और यदि आप 501 रुपये से 1,000 रुपये तक का योगदान करते हैं तब आपसे 5 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, और यदि आप 1,000 रुपये से ज़्यादा का योगदान करते हैं तब आपको 10 रुपये प्रति माह के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप 6 महीने तक स्कीम के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं तब आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, और यदि आप 12 महीनों तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं तब आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और यदि आप 24 महीने तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं तब ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपकी एज 60 साल हो जाती है तब आप इस पेंशन को पाने के लिए आप अपने बैंक जाएंगे, वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करेंगे, और उसके बाद आपकी जो भी स्कीम थी उसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस स्कीम का फ़ायदा किस तरीके से लिया जाए। फ्रेंड्स, इस स्कीम को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक में जाना होगा, वहाँ पर आपको APY नाम से एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपको फिल करना होगा, और उस फॉर्म के साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी, और उसके बाद आप उसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपकी APY स्कीम शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपके खाते से हर महीने उतने पैसे काट लिए जाएंगे जो स्कीम आपने ली होगी। फ्रेंड्स, यदि कोई 60 वर्ष से पहले ही अपनी स्कीम को बंद करना चाहता है तो उसका सारा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ में वापस दे दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर इसकी सभी डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि APY क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका आप लाभ किस तरीके से ले पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट, और यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।